भगवान के नाम पे कुछ दे दो भगवान। मैडम कुछ तो दे। मैडम मैडम आपका पर्स छूट गया। अरे मेरा पर्स तो नहीं छूटा। क्या बात कर रही हो मैडम, ये पर्स अभी आपका गिरा है यहाँ पे, मैंने देखा है मैडम। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, ये पर्स मेरा नहीं है, जाओ यहाँ से। मैडम मैडम ये पर्स आपका ही है मैडम। अरे दूर हटो, बदबू आ रही है तुम में से, क्यों आ जाते हो बार बार यहाँ मुँह उठा के, बोला ना मेरा नहीं है पर्स। मैं चोर नहीं हूँ, ये पर्स आपका ही है, मैंने आपके बैग से गिरते हुए देखा है। चुपचाप यहाँ से चला जा वरना तेरा वो हाल करूंगी, तुझे खुद ही नहीं समझ में आएगा, निकल यहाँ से। यार ये मैडम का पर्स ही था, मैडम के वहाँ से गिरा था, और यही एक थे जो मेरे यहाँ से गए थे, और तो कोई तीसरा था भी नहीं। यार पर्स तो मैडम ने लिया नहीं, क्या करूँ। चलो मैं बैठ के देखता हूँ, अभी देखता हूँ इसको खोल के इसमें है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पूरा इतने सारे पैसे, और इसमें तो एक चिट्ठी भी है। चिट्ठी में क्या लिखा है, चिट्ठी को खोल के देखो। देखो इन पैसों को बेफिजूल खर्च मत करना, इनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां तुम मेहनत करके इनको चार गुना कर सको। पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मेहनत शुरू करने के लिए तुम्हें कुछ पैसे दे रही हूँ, और हाँ मेरा पीछा मत करना, आज से ही मेहनत शुरू करना। ये मैडम तो मुझे अमीर बनाना चाहती, मुझे समझाना चाहती है, मैं तो बेमतलब ही इनको गलत समझा। भैया खिलौने ले लो अपने बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया। जा यार मैं बच्चा दिख रहा हूँ, नहीं लेना खिलौने, जा तो खिलौने ले लो, सुबह से बोन ही नहीं हुई है। भैया नहीं लेना, दिमाग मत खराब कर, अभी काम बहुत है, अभी जाओ आप। बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौने नहीं लेना भाई साहब, नहीं लेना। कुछ खिलौने ले लो, बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौने हैं। अंकल ये देखो ये बढ़िया खिलौना है। कितने का है? 100 रुपये का अंकल, बहुत बढ़िया खिलौना है अंकल, ले लो अंकल ये। हे भगवान आपने मेरे खिलौने बिकवा दिए। भैया मैंने सारी रोटी लगा दी है, अब मैं पानी लेके आता हूँ। भगवान आज मैं 500 रुपये जोड़ लूंगा तो अपनी बच्ची के लिए किताबें ले जाऊंगा। यार कहीं चलते हैं, कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। भैया कर्टन्स ले लो, ये गाड़ी के लिए बिल्कुल नया आया अभी। अरे तू तो वही है ना जो पहले भीख मांगा करता था। अरे वाह इतनी तरक्की, अब सामान बेचने लगा, शाबाश लड़के। कितने के ये कर्टन्स? भैया ये 400 रुपये का जोड़ा है। अच्छा आपके लिए मैं 300 रुपये लगा दूंगा। अरे ला यार दे दे, ये ले लो भैया, ये सारे पैसे तेरे हुए और ये कर्टन्स मेरे हुए, थैंक यू यार। तो भाई जिस इंसान ने तेरी जिंदगी बदली है ना उसको धन्यवाद करना मत भूलियो, ठीक है? ठीक है भैया, आगे कोई जरूरत पड़ी तो ले जाना। हाँ 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 ऐसी तरक्की कर। ठीक है भैया। पंडित जी आपका पार्सल है। अरे बेटा आप तो बहुत जल्दी सामान पहुंचा देते हो घर पे, भगवान बहुत तरक्की देगा बेटा। धन्यवाद। ठीक है बेटा। अरे भैया ये जूस देना। अभी देता हूँ मैडम। मैडम आप? हाँ। मैडम आप मुझे पहचाने? नहीं। मैडम मैं आपको पहचान गया, आप मुझे 2 साल पहले मिले थे जब आपने मुझे कुछ पैसे दिए थे। मैंने पैसे दिए थे? हाँ जी मैडम, जो आपका लाल कलर का पर्स जो गिरा था और उसमें कुछ पैसे थे, आपकी चिट्ठी थी। अरे तुम? हाँ जी मैडम। तुम यहाँ कैसे? मैडम आज आपके उस चिट्ठी के बदौलत और उस कुछ पैसे के बदौलत मैंने आज इतना बड़ा आदमी बना हूँ मैं। ये दुकान तुम्हारी है? हाँ जी मैडम। बहुत अच्छा, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपनी मेहनत से इतनी बड़ी दुकान खोली। मैडम उसमें भी आपका बहुत बड़ा हाथ है मैडम, आप मुझे उस दिन कुछ पैसे नहीं दिए होते और वो चिट्ठी नहीं मिली हुई थी तो आज मैं इतना बड़ा आदमी नहीं होता। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, मैं तो यही चाहती हूँ कि हर इंसान मेहनत करे और भीख का रास्ता ना अपनाए। मैडम आपकी उस चिट्ठी ने मेरी जिंदगी पलट दी, तो आप भी भीख का रास्ता मत अपनाओ, आप भी मेहनत करो और मेहनत पे पूरा विश्वास रखो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। बाय।